जी हाँ नमस्कार दोस्तों, बेहद ही बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। दरअसल बड़ी खबर के दौरान टेम्पो में सवार होकर करीब 9 जने एक मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान एक ट्रेलर ने पीछे से भिड़ंत कर दी है, जिसके दौरान 2 युवतियों को मौके पर मृत घोषित कर दिया गया है, जबकि 7 जनों के हालात ठीक नहीं हैं। आपको बता दें कि यह पूरा मामला बिलासपुर रतनपुर रोड पर हुआ है और इस घटना के दौरान हैदराबाद में रहने वाली 2 युवतियों को ही मृत घोषित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि यात्रियों को लेकर रतनपुर जा रहे मैजिक वाहन मदनपुर के पास सवारी उतारने के लिए नेशनल हाईवे पर रुका था और उसी समय पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रेलर ने मैजिक वाहन को पीछे से भिड़ंत कर दी थी। इस घटना के दौरान वाहन उछलकर रोड नीचे करे एक किनारे खेत में जा गिरा है और इसमें 9 सवारियां मौजूद थी और वो भी साथ साथ आ गिरी हैं। इस घटना के दौरान राजकिशोर नगर निवासी पुष्पा 68 वर्षीय अपने पड़ोस में रहने वाली लक्ष्मीकांता सहित अन्य के साथ रतनपुर स्थित महामाया मंदिर देवी दर्शन करने के लिए जा रहे थे और ये लोग मैजिक में सवार थे। इस घटना में टाटा मैजिक सवार 2 युवतियों को मृत घोषित किया गया है, जिनमें मदनपुर निवासी सावित्रीबाई पत्नी रूपाराम कलिक 60 वर्षीय और सरकंडा निवासी लक्ष्मीकांता सागर 60 वर्षीय शामिल हैं, जबकि 5 जनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है और 2 जनों को मौके पर ही रेफर कर दिया गया था। सो दोस्तों बड़ी खबर थी, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए कमेंट अपनी राय जरूर दें।